देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। सिनेमा प्रेमियों का जोरदार समर्थन इसे मिल रहा है। अब 27 सितंबर से शुरू हुए इस फिल्म फेस्टिवल में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेहतरीन फिल्में पसंद करने वालों को बहुत लुभा रहा है। एक से एक क्लासिक फिल्में भी देखने को मिल रही हैं, साथ ही बॉलीवुड के तमाम सितारों से रूबरू होने का मौका भी मिल रहा है। फिल्म कलाकार भी देहरादून आकर बेहद उत्साहित महसूस कर रहे हैं। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन यानी 28 सितंबर को क्लासिक फिल्म मंथन का भी प्रदर्शन किया गया। इसी दिन आयरलैंड की फिल्म अ टाउन वॉल्ड 1995 भी प्रदर्शित की गई। फीचर फिल्में, शॉर्ट फिल्में, एनिमेटेड फिल्में ही नहीं बल्कि म्यूजिक एल्बम और डॉक्यूमेंट्रीज तक का प्रदर्शन इस देहरादून फिल्म फेस्टिवल में किया जा रहा है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। दर्शकों और कलाकारों को यहाँ पर भारतीय फिल्मों और विदेशी फिल्मों में तुलना करने का भी मौका मिल रहा है। उत्तराखंड में ये फिल्म फेस्टिवल 9 साल से हो रहा है, जिसमें फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस प्रकार की सारी फिल्मों की जो विधाएँ हैं वो आजकल ऐसा है कि फिल्म पहले जो देखने को मिलती थी वो कहीं से उसकी एक डीवीडी लाओ या वीसीआर के ज़माने से बाहर की या पश्चिम के देशों की, क्या विश्व का सिनेमा देखने के लिए हमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। आज विश्व थोड़ा नज़दीक आ चुका है, खिड़कियां खुल चुकी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मुझे आके बहुत अच्छा लगा और श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं अपने तमाम जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको मैं याद करती हूँ, नमन करती हूँ। स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड टैलेंट हंट भी इस दौरान इस देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अहम हिस्सा है। इसमें स्थानीय कुमायूनी और गढ़वाली भाषा की फिल्में तो दिखाई जा रही हैं, साथ ही देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों की फिल्मों का भी प्रदर्शन हो रहा है। अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस, देहरादून।